अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िया और वेलकम करता हूं आपको गार्डेनिया चैनल पे। दोस्तों, प्रोफेशनली मैं एक प्लांट प्रोटेक्शनिस्ट और एंटोमोलॉजिस्ट हूं और मेरी मोस्टली वीडियोस के टॉपिक्स प्लांट प्रोटेक्शन से रिलेटेड ही होते हैं, तो आज की वीडियो का टॉपिक भी प्लांट प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। दोस्तों, वीडियो में नज़र आने वाला प्लांट फाइकस प्लांट है, जो कि अभी अपनी रियल कंडीशन में नहीं है, जिसकी वजह यह है कि इसके ऊपर किसी पेस्ट का सीवियर अटैक हुआ है। तो जब मैंने आके इसको चेक किया और इसके साइन सिम्टम चेक किए, तो इसके ऊपर जो अटैक हुआ है वो एक इंसेक्ट पेस्ट का हुआ है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर दूं, क्योंकि मोस्टली होता यह है कि जब हम इंस्पेक्शन के बग़ैर किसी चीज़ को ट्रीट करते हैं तो उससे दो नुकसान होते हैं। एक नुकसान तो ये होता है कि हमारा जो केमिकल है उसका नुकसान है, और सेकेंडली जो बहुत ज़्यादा नुकसान समझा जाता है वो ये है कि हम जब इररेलेवेंट स्प्रे करते हैं तो उससे हमारे जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं उनमें रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, जो कि बाद में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। दोस्तों, ये एक और प्लांट है जिसकी कंडीशन भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी सीवियर है। इनके कुछ लीफ के अंदर तो क्लोरोफिल तकरीबन ख़त्म हो चुका है और कुछ में आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये अपर लीव्स हैं जिनकी कंडीशन काफ़ी सीवियर है। दोस्तों, जब भी आप इस तरह की कंडीशन किसी प्लांट में देखें तो उसको आप पहले कम्प्लीटली डायग्नोज करें, देन उसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट या केमिकल सजेस्ट करें। अब हम इसको करीब से देखेंगे कि आखिर इसमें प्रॉब्लम है क्या। दोस्तों, किसी भी प्लांट्स के इंस्पेक्शन करने का जो सबसे बेस्ट वे होता है वो ये होता है कि हम प्लांट्स की इंस्पेक्शन हमेशा लीव से शुरू करें, क्योंकि लीव एक ऐसा पार्ट होता है जिससे हम ईज़िली डायग्नोज कर सकते हैं कि आखिर हमारे प्लांट्स में प्रॉब्लम क्या है। तो मेरे पास इसी प्लांट का एक लीव है, आप देख सकते हैं कि इसका क्लोरोफिल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं कि ये आपको डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं मेरे फिंगर के बिल्कुल सामने। बेसिकली ये एंथोफाइला स्पीशी के एग्स हैं। कुछ और सिम्टम देखते हैं हम, जब हम इसको कम्प्लीटली इंस्पेक्शन करेंगे तो हमें और भी सिम्टम नज़र आएंगे। ये एक और लीव है, इस लीव को फोल्ड कर दिया है इंसेक्ट पेस्ट ने, जिसकी वजह यह है कि ये इसकी प्यूपेशन का पीरियड स्टार्ट हुआ है। बेसिकली होता यह है कि लार्वा जब अपनी स्टेज कंप्लीट कर लेता है तो वो लीव फोल्ड करके सिल्क लाइक वेब बना लेते हैं अपने ऊपर। ये एक प्रोटेक्टिंग वेब होती है जो कि उसे दूसरे नेचुरल एनिमीज़ होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करती है। दोस्तों, ये एडल्ट पेस्ट है जिसकी मैंने अभी बात की है, एंथोफाइला स्पीशी का, और यही एडल्ट जो है इसके ऊपर एगलिंग करता है, देन एग लेंग से हैचिंग होती है लार्वा, देन प्यूपा, और देन ये एडल्ट इस फॉर्म में आ जाता है। तो इस तरह की कोई कंडीशन देखें, ये एक मौत है। इस तरह का पेस्ट आप अगर अपने प्लांट के ऊपर देखें तो फौरन एक्शन लें, अदरवाइज़ आपके प्लांट की कंडीशन भी कुछ इस तरह की हो जाएगी। दोस्तों, इस तरह की कंडीशन वाले प्लांट्स के लिए हमें इमीडिएट एक्शन लेना होता है इंसेक्ट पेस्ट के अगेंस्ट, ताकि हम इसको डेड होने से बचा सकें। तो इस प्लांट के लिए जो मैंने सजेस्ट किया है वो डेल्टा मेथ्रीन है, जिसकी डोज हम 2 ml पर लीटर के हिसाब से यूज़ करेंगे, और ये जो एप्लीकेशन है फिर हम 15 दिन के बाद फिर रिपीट करेंगे, ताकि इंसेक्ट पेस्ट के जो एग हैं वो स्प्रे के बाद अगर हैच होते हैं तो 15 दिन के बाद उनको कंट्रोल किया जा सके। दोस्तों, एंथोफाइला स्पीशी के अलावा भी कुछ इंसेक्ट पेस्ट हैं जो काफ़ी सीवियर डैमेज कॉज करते हैं। उन इंसेक्ट पेस्ट में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं उनमें एफिड्स है, मिलीबग स्केल, और स्पेशली स्पाइडर माइट्स।
तो अगर इन इंसेक्ट पेस्ट का अटैक होता है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं पोलिटिन सी। पोलिटिन सी एक ऐसा केमिकल है जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है इन सारे इंसेक्ट पेस्ट के अगेंस्ट। Mm-hmm.